मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा जिले में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ आवश्यक उपकरणों की खरीद में हो सकेगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की और प्रशासन को सहयोग देने की भी अपील की। प्रदेशवासियों से कहा कि शिवराज सरकार कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ऐसे में एकजुट होकर हमें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना भी है और जीतना भी है। 18 साल से ऊपर के युवकों को भी इंजेक्शन की अनुमति दी है, 1 मई से लगना हो जाएगा। इसका बचाव केवल एकमात्र कोई बचाव है तो वह है कि हर आदमी को 100% वैक्सीनेशन होना, जिसकी पात्रता हो जाती उसको वैक्सीनेशन लगाना। यदि वैक्सीनेशन हो गया वही सबसे बड़ा बचाव का रास्ता है। और सबसे मेरी फिर से अपील है, विनम्र प्रार्थना है, आइए हम सब मिल करके कोरोना वैक्सीन लगवा करके इस कोरोना के वैश्विक महामारी के युद्ध में शामिल हो और जीत हमारी होगी। आवश्यकता ऑक्सीजन की है और उपकरणों की आवश्यकता है, तो मैंने 3-4 दिन पहले डीन को, अपने रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखा था। आज मैंने कलेक्टर को फिर लिखा है, ये कहा कि 50 लाख तक का मैं सैंक्शन कर रहा हूँ, आप जो उपकरण हो सकता है इस संबंध में जीवन बचाने के लिए उसको खरीद करें, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो एडिशनल मैं भी देने को तैयार हूँ। कि कई जगह भ्रम फैला करके लोगों को पैनिक किया जा रहा है, आपसे आग्रह है कि भ्रम में नहीं पड़े और सब तरह के इंतजाम हो रहे हैं, सरकार पूरी ताकत लगा करके इंतजाम कर रही है, हमारे भी सहयोग की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि कई जगह तमाम कोरोना कर्फ्यू होने के बाद भी जिनकी आवश्यकता नहीं वो भी सड़क में निकल रहे हैं और सड़क में नहीं निकले। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आइए सब मिल करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सरकार से लड़ने वाले युद्ध में उनका सहयोग करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान